हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर जो आप कुवैत में रहते हैं या फिर कुवैत आना चाहते हैं या फिर आने की आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको आने के बाद यहां पे वो करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद जब आपका सिविल आईडी बन जाएगा, लाइसेंस बन जाएगा, तो आपको ये बहुत जरूरी है रखना आपके पास अपने मोबाइल में। क्यों? क्योंकि आपको ये बचाएगा आपको गरामा आने से, कपिल से डांट सुनने में, आपका पैसा नुकसान होने से। कभी भी आप अपने पास पर्स नहीं रखते हैं, अपना जो है एकामा वगैरह आईडी नहीं रखते हैं, तब भी आपको जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं भी रहें, चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे कुछ भी, क्योंकि ये लीगल है, कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से है, आपको रखना बहुत जरूरी है। और चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ मोबाइल से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ उसमें जो है कि अपना सिविल आईडी नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, बस सिंपल है, चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जो है कि उससे पैसा भेज सकते हैं, पैसा भेजने जाते हैं तो भी दिखा सकते हैं, या फिर जो है कहीं भी आपको जहां भी गवर्नमेंट का जरूरत पड़ता है वो चीज आईडी आपका वो दिखा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं सिविल आईडी का। सिविल आईडी करके एक ऐप है और ये रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं क्या हुआ था, कल गया था एक जगह दोस्त को जो है कि लेकर के, उसका तबीयत खराब था, साथ में ही गया था, पैदल गया था, गाड़ी लेके नहीं गया था, और मेरा पर्स जो है गाड़ी में छूट गया। उधर गया तो रास्ते में पुलिस वाला मिल गया, बोला वेनरो, मैं बोला मुस्तफा सदीक, मैं बोला मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल दोस्त के साथ, जीप जीविल बोला कि जीप कार्थ, फिर बोला कार्थ, बोला जीप सिविल आई दी। अच्छा, तो अभी तो मेरा पर्स है गाड़ी में, अब क्या करूं। तो मैं बोला मौजूद सयारा, और इत्तफाक से वो मेरे कपिल को जानता था, तो बोला कपिल कौन है। मैं बोला कि बता दिया अपने कपिल का नाम, कपिल का नाम बताया, बोला खलास थानी मर रहा माफी किदा सभी हदा। वो मेरे को बोला कि सभी हत्ता हत बरनामज, बरनामज बोलते हैं सॉफ्टवेयर को, हत्ता बरनामज सभी हत्ता हिना रगम मोबाइल नंबर बाद अंत माफी मुश्किल आई मकान रो। वो खुद पुलिस वाला मेरे को बोला ये इंस्टॉल कर ले और ऐसे कर ले। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने हमको जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक पड़ा है, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप वहां हमसे बात कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेरी है, तो वीडियो कॉल ऑडियो कॉल जैसा चाहे आप बात कर सकते हैं। मेरा मेरा इंस्टाग्राम हमेशा ओपन रहता है। और साथ ही साथ एक मेरा नया चैनल है जिसपे बहुत कुछ आने वाला है, तो उसको भी आपने अभी तक 2000 से ऊपर लोग हैं लेकिन अभी सिर्फ उसपे 40 सब्सक्राइबर हुए हैं। चैनल बने मुझे एक हफ्ता हो गया, तो उसको भी आप जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, उसपे बहुत सारी चीजें आने वाली है। बस जैसे उसपे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने मोबाइल पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आप देखते जाइए, वैसे वैसे करते जाइए। और बहुत सिंपल है ये, आपको रखना जरूरी है। अगर जो आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको आने के बाद ये करना पड़ेगा, जब भी आपका सिविल आईडी बन जाएगा, नहीं तो आपको गरामा आ जाएगा। देखिए सबके कपिल के दोस्त जो है सुरता वाले नहीं होते, पुलिस वाले नहीं होते, मेरा तो छोड़ दिया, वो खुद ने बताया, लेकिन अगर जो नहीं होता तो वो मेरे को सीधे ले जाता थाना और मेरे को कपिल को फोन करता, तो कपिल भी मेरे को डांटता कि क्यों तू छोड़ के गया गाड़ी में, क्यों गया कहीं, क्यों नहीं मेरे से बोला, बहुत कुछ होता। तो ये आपको रखना जरूरी है, तो आप यहां देखते जाइए और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करते जाइए। ओके, हाँ देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां जाने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको चल रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है कुवैत आईडी, ये जो दिख रहा है आपको कुवैत आईडी, ये सेम लिखना है कुवैत आईडी, ये देख लीजिए ऐसा सिंबल आएगा और इसको जो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद मैंने पहले से करके रखा है, मैं ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देख सकते हैं ऐसा आपको दिखेगा और ऐसा दिखेगा, तो आप इसको नेक्स्ट करते जाइएगा, यहां से इंग्लिश कर लीजिएगा। आपको अगर जो मान लीजिए हिंदी अरबी आती है तो कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में कर लीजिए, इंग्लिश सबसे बेटर रहेगा, मैं इंग्लिश में कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए ये जो है दो ऑप्शन है, आप ऊपर वाला चूज कर लीजिएगा और करने के बाद ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है कि ये दो ऑप्शन आ रहा है, आप ऊपर वाला चूज कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन, नीचे वाला नहीं। तो रजिस्ट्रेशन जैसे चूज करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, सिविल आईडी, आपको अपना जो सिविल आईडी नंबर है यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं अपना डाल रहा हूँ और मैंने इसको जो हाइड कर दिया। आप भी कभी भी किसी को अपना सिविल आईडी मत बनाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है आपके नाम से यहाँ पे भी इंडिया की तरह। तो आप अपना सिविल आईडी डाल लीजिएगा और उसके बाद कार्ड के पीछे घुमाइएगा, वहां लिखा होगा सीरियल नंबर, ये जो दिख रहा है आपको ऐसा वाला, आपको सीरियल नंबर दिख रहा है ऐसा वाला यहाँ पे डालना है आपको, तो सीरियल नंबर डाल दीजिएगा। सीरियल नंबर डालने के बाद आपको जो है, मैं अपना डाल रहा हूँ, अपना डालिएगा आप, पीछे होता है आपके जो सिविल आईडी होता है उसके पीछे होता है सीरियल नंबर।
तो ये डालने के बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। आप पासपोर्ट नंबर डालिएगा, आप अपना डाल लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा पासपोर्ट नंबर क्या है। उसके बाद डालने के बाद आपको क्या कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये डालने के बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है, ओके कर दीजिएगा। मैं ओके कर रहा हूँ और सब मिला लीजिएगा, सब सही है कि नहीं, और उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो है कि ईमेल आईडी मांगेगा। आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी है, जो भी पहले पड़ा है प्ले स्टोर में देख लीजिएगा, वहां पे ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। जो भी होगा मोबाइल नंबर, जो कुवैत का मोबाइल नंबर, इंडिया का नहीं, आप आने के बाद कोई भी हो, वो नेट वाला हो चाहे सादा हो, वो नंबर डाल दीजिएगा। उस पर एक ओटीपी आएगा, मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। मेरा तो नेट का मोबाइल है, सिर्फ नेट चलता है, उसमें फोन नहीं लग सकता, तो इसीलिए मैं किसी को देता नहीं, बहुत सारे लोग मांगते हैं। तो ये आप डाल दीजिएगा, उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये दोनों पे ट्रिक कर दीजिएगा, आई हेरडे कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा बाल उल सही कर लीजिएगा। ठीक है, बाल उल सही करने के बाद आपका जो है कि ये फोटो लेगा, मिलाएगा, मैच करेगा। उसके बाद आप जो है कंटिन्यू करिएगा और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है कि आपको जो है कि देखिए मेरा चेहरा दिख रहा है ना, सेम कैसे ऐसा लग रहा है सो के उठा हूँ। ये रात का है, ये रात में मैंने शूट किया था, तो अंधेरा है तो अभी नहीं ले रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, नहीं ले रहा है, फिर नहीं ले रहा है, कई बार कोशिश कर रहा है नहीं ले रहा है, क्योंकि बाल नहीं दिख रहा है ना इसमें। तो मैं काम करता हूँ, दूसरे वाले मोबाइल से जो है कि लाइट जला लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं लाइट जला लूंगा तो ये पक्का ले लेगा। चलिए अभी देखिए मेरे चेहरे पे लाइट आ गया, अभी अब ये पक्का ले लेगा, ले लिया है तो ये पहचान गया है। अब पहचानने के बाद अब जो है कि आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब कुछ होगा नहीं, सिर्फ ओटीपी आएगा आपका, मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है तो मुझे आइडिया है। देखिए दो मिनट का टाइम देता है, दो मिनट के टाइम में आपके मोबाइल नंबर ऊपर जो नंबर दिख रहा है, वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंट SMS टू योर मोबाइल नंबर आएगा। मेरा पासवर्ड आ चुका है, देखिए आ गया ऊपर, और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके अभी नीचे मैं डाल दूंगा पेस्ट, उसके बाद कंटिन्यू कर देना आपको। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आप एक नंबर चुन लीजिएगा, आपका जो भी पसंद होगा, एक कोड की तरफ है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये कोड डालना पड़ेगा। मैं अपना चुन लिया, अपने अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो, आप चार नंबर का होना चाहिए, 0011 जो भी आप चाहते हैं, उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, कंफर्म करने के बाद देखिए आपका मोबाइल जो है कि ऐसे आ गया, तो समझिए बन गया। फिंगरप्रिंट है तो आप इनेबल फिंगरप्रिंट। अच्छा देखिए, उसके बाद ये आपका पूरा डिटेल खुल गया, नूरे आलम अंसारी फलाना फलाना, आपका सिविल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और आप मेल है कि फीमेल है, पासपोर्ट नंबर सब मिल गया। नीचे को वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है वो भी अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, आप चाहेंगे तो। मैं कैसे अपडेट करते हैं वो भी आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। और इसके बाद आप एड्रेस देख सकते हैं, कौन से जगह पे आप रहते हैं कुवैत में। ये आपको जो है कि जब पुलिस वाला दिखाए मांगेगा तो ये जो आपको दिखा है बारकोड, ये इंस्टॉल आपको उसको दिखाना है। ये देखिए पूरा सिविल आईडी मेरा खुल गया, कैसे है कैसे है आप देख सकते हैं, सेम पूरा सिविल आईडी खुल गया है। और कई कई जगह जो आपको दिखाने लायक नहीं है मैं इसको हाइड कर दिया हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ये सिंपल था, बहुत जरूरी वीडियो था, आपको अपने मोबाइल में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं रात को अगर जो मेरा कपिल का दोष नहीं होता तो पक्का है मुझे ले जाता थाने में, और या तो फाइन मारता या फिर जो है कि कपिल को बोलता तो कपिल मेरा गुस्सा होता। आप डाल लीजिए अपने मोबाइल में और बिंदास घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ये हर जगह ये गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी लीगल है, आप लेके जा सकते हैं। आईडी नहीं है आपके पास तो ये दिखा सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल जो है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए साथ ही साथ। और नया वाला चैनल इंस्टाग्राम जो भी है सब आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो है कि अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।